हेलो दोस्तों, मैं हूँ कोच एंड आज मैं रिव्यू करूँ हाइकू का। ये सीज़न 1 है, 2014 के 25 एपिसोड है। इसका जो ना स्पोर्ट्स है स्पोर्ट्स ओके तो एनिमे प्लॉट जो एक में एनिमे की शुरुआत से पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये सिर्फ स्पोर्ट्स एनिमे ही के नज़रिए से इसको मत देखना। एनिमे में बहुत कुछ है जो मैं अपने पर्सनल ओपिनियन में बताऊँगा। तो चलो शुरू करता हूँ। एनिमे का फर्स्ट सीजन है। इस एनिमे में जो हिनाता और कागेयामा पे ज़्यादा फोकस किया है। एनिमे असल में कोरोसोमा स्कूल के वॉलीबॉल टीम के ही आसपास है। एक टाइम था कि जब कोरोसो जो स्कूल था उसको पावर हाउस बोला जाता था। पिछले 3 साल से कोरोसो स्कूल ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, जिसके कारण इस स्कूल की जो टीम थी उनको लोग वीक समझते थे और इनको चराया भी जाता था, अनफ्लाई बोला जाता था, क्योंकि इनकी टीम को जो रिप्रेजेंट होता था वो एक रेवन वो बर्ड से रिप्रेजेंट किया जाता था, पर अभी कमज़ोर पड़ गई जिसके कारण लोग इनको अनफ्लाई कहते हैं। इसके पीछे बहुत से कारण हैं, जैसे कि जो पुराना वाला कोच था जो उसकी उम्र हो गई थी जिसके कारण वो रिटायर हो गया था। तो इस एनिमे में जो कागेयामा है और कागेयामा और हिनाता पर ज़्यादा फोकस किया गया है। बेस है तो हिनाता के बारे में बता दूँ, ये वॉलीबॉल में स्पाइकर बनना चाहता है और उसे वॉलीबॉल इतना पसंद है कि वो शुरू से ही इसके पीछे मेहनत करता है एंड उसकी हाईटेक प्रॉब्लम होती है जो उसको सुधार लेता है। एंड दूसरे साइड कागेयामा जो इतना अच्छा प्लेयर होता है जिसको किंग ऑफ कोर्ट बोला जाता है, पर वो इतना अच्छा प्लेयर है कि कोई उसकी बराबरी नहीं कर सकता, उसके साथ कोई कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता गेम के अंदर, जिसके कारण कि एक बार उसके टीम वाले उसी को ही निकाल देते एक मैच के अंदर। पर बाकी के कैरेक्टर्स के बारे में भी बता देता हूँ जो हमारे हाइकू के। ऐसे में यहाँ पे तुम कह सकते हो कि 3 ईयर होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तुम इसको 10th 11th 12th में भी डिवाइड कर सकते हो। तो जो तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, मैं अपने पर्सनल ओपिनियन के बारे में बताता हूँ। एनिमे को देखने से पहले सोच रहा था कि एक स्पोर्ट्स एनिमे में क्या हो सकता है, पर जो भी था अनएक्सपेक्टेड था। एनिमे के अंदर टीम की इम्पोर्टेंस ज़्यादा बताई गई है। जब तुम एक टीम वाले स्पोर्ट्स में हो, जैसे कि जिसमें टीम होती उसमें तुम्हारा अकेले के ऊपर कुछ नहीं होता, भले अगर तुम अकेले सबसे ज़्यादा बेस्ट क्यों ना हो, पर अगर तुम अगर अपनी टीम के साथ मिल के नहीं खेल सकते तो सब बेकार है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल कागेयामा को ले सकते हो, जो शुरू में अपने ईगो को लेकर था तो एक बेटर स्टूडेंट एक बेटर प्लेयर है, एज अ किंग ऑफ द कोर्ट माना जाता है, पर वो किसी और के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता, जिसके कारण उसको दूसरी स्कूल वाले भी नहीं लेते। फिर हम दूसरी तरफ बात कर सकते हैं आशाशी, जो उसी के जैसे ही हाँ मैं नहीं बताऊँगी इसकी स्टोरी। हिनाता को भी सेम बाद में फीलिंग आती है कि टीम के साथ स्कोर करने में एक अलग ही फीलिंग होती है। तो अब इसका मैं एनिमे की अगर मैं बात करूँ टीम इम्पोर्टेंस की, तो एनिमे के बीच में भी एक लाइन आती है, मैं इसे शॉर्ट में बोलना चाहूँगा क्योंकि मेरे पास अभी वो लाइन नहीं है। तो उसने शॉर्ट में ये लिखा लेता कि अगर कोई भी एक प्लेयर अगर ये पहले ही सोच लेता है कि वो अकेले ही पूरा गेम खेल सकता है, इस तो ये मान लेना चाहिए कि वो पहले ही असल में हार चुका था। एनिमे अपनी इम्पोर्टेंस को ज़्यादा देती है। एनिमे के इतने अच्छे अच्छे सीन होते हैं एंड खास करके हिनाता के, तो जो मुझे मज़े आ जाते हैं देख कर ही। वॉलीबॉल इतना ही नहीं, जिस तरह डॉक्टर स्टोन को देख के साइंस अच्छा लगने लगा उसी तरह हाइकू को देखने वाले वॉलीबॉल भी अच्छा लगने लगा। अलग अलग टीम होती है, अलग अलग खतरनाक टीम होती है एंड हर एक एपिसोड में ये लोग कुछ नया करते जिसको देख के अमेजिंग फीलिंग होती है, अमेजिंग शॉट, अमेजिंग प्लेयर, पर ना कि कोरोसोनो स्कूल अकेला ही अमेजिंग नहीं होता, इनके सामने वाली टीम भी अमेजिंग होती है। जैसे कि ओबा जोशी स्कूल में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग प्लेयर होता है ना, मैं बोल रहा हूँ आई थिंक ओके उसका नाम होता है, या फिर और भी स्कूल आएगी जिनकी अभी फिलहाल इस सीरीज़ के अंदर 2 स्कूल को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है इस स्कूल के अलावा। तो एनिमे बहुत अच्छी है, बुरी बिल्कुल ही नहीं है, अमेजिंग है, बोर बिल्कुल ही नहीं करती है। एनिमे ज़रूर देखना, बाय।